छठ पूजा को लेकर पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक चंडीगढ़ के सेक्टर 43 कम्युनिटी सेंटर में हुई। यह बैठक पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन राजेंद्र सिंह एवं अध्यक्ष डीके सिंह की अध्यक्षता में की गई, जिसमें छठ पूजा को लेकर कई अहम मुद्दे पर बात हुई। इस बैठक में चेयरमैन राजेंद्र सिंह, अध्यक्ष डीके सिंह, महासचिव यूके सिंह, पप्पू शुक्ला, एक्स डिप्टी मेयर एवं पार्षद अनिल दुबे, पूर्वांचल एकता मंच के अध्यक्ष रमेश शर्मा, मुकेश राय व अन्य पूर्वांचल के नेतागण शामिल रहे। देखे चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हम फायदा ले सकते हैं, जिन्होंने अरविंद जी ने गलत किया या दुबे जी ने किया या वो आदमी ठीक नहीं समझा, तो ये डर कहीं ना कहीं हमारे बीच में नहीं है। मुकेश जी कह रहे थे कि संस्थाओं का विलय होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हमने पूर्वांचल सभा बनाई थी और मैंने किसी बाहर के व्यक्ति को बुला के उसको उसमें चीफ गेस्ट नहीं बुलाया था, मैडम ही आई थी, हवन पूजन मंदिर में हुआ था, हमने इनको ही बुलाया था। पीछे कुछ आहत हुए थे हम किसी बात से लेकर, तो हमने कहा चलो इसका एक सब लोग एकजुट होकर एक मंच पे अगर इस प्रोग्राम को करते हैं तो उनके अंदर भी जो आएगा वो देखेगा कि ये मंच जो है वो एक जगह से जुड़ा हुआ है, और अगर हम इनकी इनका अनादर करेंगे, इनको इग्नोर करेंगे, तो ये लोग हमें भी इग्नोर करेंगे। तो आज जो आने वाला हमारा छठ पर्व है, उसके पूजा का जो आयोजन होता रहा आपसी मनमुटाव की वजह से, कई मंच लगा करते थे, आज हम सभी लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं और इसमें हमारे कुछ जो प्रमुख लोग हैं और उसमें मैं भी था, हमारा प्रयास था कि सभी लोग एक मंच पर आए, तो आज उसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और यहाँ पर हमारे एक निर्णय लिया गया है, एक रिटायर्ड ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर एसएस प्रसाद जी, वो मुख्य संरक्षक के रूप में काम करेंगे, उनके देख रेख में इस पूजा का आयोजन होगा और सभी लोग एक मंच पर होंगे। दोबारा से जो आपसी मनमुटाव था इसमें कुछ लोगों के मन में, वो आज दूर हुआ है और सभी लोग एक मत से सहमत थे कि हम सब लोग एक मंच पर आकर इस पूजा का आयोजन करेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में जो है पूर्वांचल के लोगों में एक एकता का जो भावना है वो निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। देखिए, ये पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है कि जो हर साल यहाँ छठ पूजा होती थी 42 के लेक पे, और तीन चार जगह हम लोग चार पांच संस्थाएं मिलकर करते थे, तो ये हमारी कोशिश है सारी संस्थाओं की, हम लोग इस बार एक जगह एक मंच पे इकट्ठा होकर पांचों संस्थाएं एक जगह हम लोग छठ पूजा करें और चंडीगढ़ में एक मैसेज दे पूर्वांचल के प्रति। तो आज क्या संरक्षक किसे बनाया गया? आज जो बनाया गया है ये हरियाणा के गृह सचिव थे अपने एसएस प्रसाद जी, आज उनको हमारे छठ पूजा सेवा समिति का जो गठन हुई है, पांचों संस्थाओं ने मिलकर एक नाम दिया छठ पूजा सेवा समिति, उसके चेयरमैन बनाया गया है उनको एसएस प्रसाद जी को, उनके संरक्षण में ये पूजा होगी इस बार। और उसमें बाकी जो भी जितनी भी संस्थाएं हैं सभी संस्थाओं से चार चार लोगों को मेंबर लेके और एक ये पूजा का समिति का गठन किया जा रहा है, ये एक दो दिन में आप लोगों को सभी लोगों को बता दिया जाएगा जी। और आज जितनी भी संस्थाएं थी सभी संस्थाओं ने 11,000 रुपये का योगदान दिया, हमारी चंडीगढ़ पूर्वांचल एकता मंच भी इस छठ पूजा सेवा समिति को 11,000 रुपये की योगदान दे रही है।